राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए ना भारत की जनता से जुड़ पाए। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है। संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगा? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूँ, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे कई मामलों में। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 105 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देश द्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहां की संस्कृति जीवन मूल और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का यह व्यवहार, इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर?